हेलो एवरीवन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में विभिन्न स्कीम के अंतर्गत फ्रेश और रीनवल स्कॉलरशिप स्टूडेंट के द्वारा फील की गई है जिसमें बहुत से स्टूडेंट की स्कॉलरशिप रिसीव हो गई है तथा कुछ स्टूडेंट की स्कॉलरशिप रिसीव नहीं हो पाई है जिसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि कुछ कारण हैं जैसे वह प्रोसेस में लगा होगा इसलिए नहीं आ पाया है और दूसरा क्या है बैंक खाते में बैंक खाते से आधार सीड न होना तथा किसी किसी का स्कॉलरशिप पी एफ एम एस के द्वारा सेंड किया गया है और इन सफिशियंट फंड के द्वारा होने के कारण वह वहाँ पर उसको रिसीव नहीं हो पा रहा है ये कुछ प्रमुख कारण है जिसमें पहला कारण है प्रोसेस में होने पर इसमें आपको कुछ नहीं करना है आप वेट करिए प्रोसेसिंग चल रहा होगा आपकी स्कॉलरशिप जल्द ही रिसीव हो जाएगी स्कॉलरशिप रिसीव ना होने का दूसरा कारण है बैंक खाते से आधार सीड ना होना यदि आपका बैंक खाते से आधार सीड नहीं है तो तुरंत करवा लीजिए आधार को सीडिंग आवश्यक है आधार सीड ज़रूरी है और यदि है तो आप चेक कर लीजिए कि आपका आधार बैंक से सीड है कि नहीं इसके लिए मैं अपना पहले वीडियो का लिंक आपको सेंड कर दूंगा जिसको आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि आपका खाता आधार से सीड है कि नहीं और यदि डेबिट इफ इनसफिशियंट बैंक दिखा रहा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीएफएमएस जो है जिस खाते से जिस मिनिस्ट्री के बैंक अकाउंट से इस्कॉलरशिप सेंड करता है उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं होना यह मुख्य कारण है और यदि उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो स्कॉलरशिप क्रेडिट नहीं हो पाएगी क्योंकि तो ऑपरेटर को नहीं पता है कि इस खाते का बैलेंस क्या है वह जो है स्कॉलरशिप सेंड करते जा रहा है वह अमाउंट को अपडेट करते जा रहा है तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है यह प्रक्रिया दोबारा दोबारा की जाएगी और पर्याप्त बैलेंस होने पर स्कॉलरशिप रिसीव हो जाएगी दोबारा इसका बेनिफिशरी बनेगा और दोबारा आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा सफिशिएंट बै, बैलेंस होने पर अमाउंट जो है उस मिनिस्ट्री के वेबसाइट के मिनिस्ट्री सॉरी मिनिस्ट्री के बैंक अकाउंट से आप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी अब कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि उनका स्टेटस क्या दिखा रहा है इसके लिए आपको एनएसपी के स्कॉलरशिप के स्टेटस को देखने के लिए पी एफ़ एम एस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा गूगल पर टाइप करना पड़ेगा पी एफ़ एम एस और इसका लिंक एक ओपन होगा जिस लिंक पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं उस वेबसाइट पर एन एस पी स्टेटस पर क्लिक करके एक इंटरफेस ओपन कर कर लेंगे इंटरफेस ओपन करने पर उसमें उस वेबसाइट उस पर जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा आ, सबसे पहले दिखाई देगा देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले यहाँ पर शो हो रहा है बैंक का नाम कौन सा बैंक है इसका नाम यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा इसके बाद आपको दूसरे कॉलम में दूसरे रो में क्या करना पड़ेगा आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं इसके बाद अकाउंट नंबर नहीं याद है तो आप एन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देखें यहाँ पर एन का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाएगा इसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वेबसाइट को हम लोग कैसे कार्य कर रहा है इसको देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले एक बैंक टाइप करते हैं जैसे मैंने टाइप कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे मैंने एस स्टेट बैंक स्टेट बैंक टाइप किया इसके बाद खाता नंबर नौ टाइप करके मैं नेशनल स्कॉलरशिप पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है उसको टाइप कर रहा हूं उसको टाइप करने के बाद यहां पर कैप्चा एक सौ हो रहा है कैप्चा फिल किया जाएगा कैप्चा फिल करने के बाद यहां पर देखिए नीचे दिखा रहा है इन बैलेंस के द्वारा या जो भी चीज़ इसमें दिखा रहा है डेबिट हो गया है नहीं नहीं उसमें जा हो पा रहा है फेल हो गया है ठीक है बैंक के द्वारा फेल हो गया है जो अमाउंट जो है क्रेडिट नहीं हो पाया है वह क्या है फेल हो गया है तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है आप वेट करिए या दु, प्रक्रिया दोबारा अपडेट की जाएगी जिसके द्वारा उस जिस खाते से फंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस खाते में सफिशियंट बैलेंस होने के बाद उसको दोबारा सेंड किया जाएगा और आपके खाते में जितना अमाउंट होना चाहिए जितना स्कॉलरशिप का अमाउंट रिसीव होना चाहिए उतना स्कॉलरशिप का अमाउंट रिसीव हो जाएगा इस प्रक्रिया को आप लोग करके देख सकते हैं इसके द्वारा आप लोग समझ सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पर अगर किसी कारणवश स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त हो पाई है तो उनको ध्यान रखते हुए हम अपना स्टेटस पहले देखिए आप पी एफ एम एस की वेबसाइट पर सबसे पहले स्टेटस चेक करेंगे स्टेटस चेक करने के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे अगर वहाँ पर सीडिंग की प्रक्रिया नहीं हुई है तो आप सीड करा लेंगे और सीड अगर है अगर क्या दिखा रहा है प्रोसेस दिखा रहा है तो प्रोसेसिंग में रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है स्कॉलरशिप आ जाएगी इनसफिशियंट बैलेंस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोबारा उस खा, आपके खाते में जो है अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा या घबराने का विषय नहीं है इसमें आपको दोबारा एक नई बेनिफिशरी के द्वारा नया टोकन नंबर प्राप्त होगा जैसे टोकन नंबर यहाँ पर देखिए टोकन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग टोकन नंबर देख रहे हैं और यह टोकन नंबर प्राप्त होगा इस टोकन नंबर के बाद हम लोग देख सकते हैं कि पूरा डिटेल लिखा हुआ है अमाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस लिखा हुआ है तो अब दोबारा जब उसका दो सेंड किया जाएगा तो इनसफिशिएंट बैलेंस नहीं रहेगा आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जाएगी तो आज मैंने आपको स्कॉलरशिप से प्रॉब्लम को स्कॉलरशिप के प्रॉब्लम को समझाने का प्रयास किया है उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और और किसी इसी प्रकार का क्वेरी है तो कमेंट करिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप अभी जुड़े नहीं हैं अब आप हमारे से अभी एक्टिव नहीं है जुड़ जुड़ नहीं पाए हैं तो जरूर जुड़ लीजिए इस सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए क्योंकि तो जो भी नया वीडियो बनाऊंगा आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा इस कलर से संबंधित कोई भी इस प्रॉब्लम हो तो जरूर संपर्क करिए आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू